42nd last transaction. Question number 42nd. Salary unpaid. Salary unpaid means salary due या salary outstanding. So that is my liability. अगर मैं salary cash में pay करती तो salary to cash होता. अब भी salary तो debit होगा, लेकिन क्योंकि मैंने cash में नहीं pay किया, इसलिए salary outstanding हूँ. कौन explain करेगा logic? मैंने बोल दिया वैसे. I want you to repeat it. This was 750. हाँ जी, क्या logic है? अगर मैंने सैलरी को डेबिट किया तो मैंने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया? अगर मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया तो मैंने क्या फॉलो किया? लॉजिक बोलो. रेस योर हैंड स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास. व्हाई डू आई डेबिटेड सैलरी एंड आई फॉलोड विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ओके, ये नॉमिनल पे तो हुआ नहीं, फिर नॉमिनल कैसे लग गया? और कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऊंचा बोलो, मेरे तक नहीं आवाज आ रही. क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, गोल्डन रूल है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्रुअल कॉन्सेप्ट. एक्सपेंसेस पेड और पेएबल बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड. पे कर दिया तो भी सैलरी डेबिट करनी है, पे करने वाला तो भी एक्सपेंसेस डेबिट करना है. एक्रुअल कॉन्सेप्ट सेज दैट. Accrual की टैगलाइन क्या है? Expenses paid or payable both are to be recorded. Income received or receivable both are to be recorded. Accrual concept of accounting. I followed. Accounting principles 12-13 करवाए हैं ना? उनमें से accrual है. Salary outstanding क्यों credit किया? Because it is my liabilities and liabilities are always being credited. We are liable to pay to those employees to whom the salary has not yet been paid. And salary outstanding is my representative personal account. ठीक है, लॉजिक शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू फ्रेम योर एंट्रीज इन फ्यूचर. ठीक है, किसी भी एंट्री के बारे में डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस. चलिए जी, 43rd करना शुरू करते हैं. ओपनिंग एंट्री आप पास करो पहले. 43rd में 1st अप्रैल की ओपनिंग एंट्री पास करो. हरी आप एवरी वन, एवरी वन विल पास द ओपनिंग एंट्री इन 43rd. फर्स्ट अप्रैल को पिछले साल के बैलेंस हम आगे लेके आए, सो वी आर सपोज टू पास एन ओपनिंग एंट्री एट दैट टाइम. दिस नैरो कॉलम वी कॉल लेजर फोलियो, दिस इज डेबिट. यहां पे कंबाइंड में अमाउंट लिखो, डेबिट क्रेडिट. लेट्स बिगिन. कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वर्ड नहीं लिखोगे, सिंपल लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड. देन कैश एट बैंक, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड. राइट, स्टॉक ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स हटा दोगे, ओनली स्टॉक इज टू बी डेबिटेड. करिए जी, कैश इन हैंड इज 18 and 25 बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड, $25,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक इज $20,000. आगे चलिए, फर्नीचर इज टू बी डेबिटेड 4,000, बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड 20,000. फर्नीचर इज टू बी डेबिटेड, अकाउंट का मैं कॉमा लिख देती हूँ, आप पूरा लिखना. हाउ मच फर्नीचर? हाँ, 4,000. बिल्डिंग, बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड. लाइबिलिटी स्टार्ट हुई क्या? नहीं, नेक्स्ट है. ओके, हाँ मैं बताती हूँ, इन सब के बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि इसने डेबिट वर्ड लिखा है ना. सौरभ डेबिट, नितिन डेबिट, अश्विनी डेबिट,
मैं तीनों को ऐड करके सन्ड्री डेटर्स लिखूंगी। डेबिट का मतलब इन बंदों से मैंने पैसे लेने हैं। जब इन बंदों के आगे वो क्रेडिट वर्ड लिख देगा मींस इन बंदों को मैंने पैसे देने हैं। मैं सबको कंबाइन करके क्रेडिट के केस में सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखूंगी मींस मिले जुले मेरे क्रेडिटर्स, मिक्सचर ऑफ क्रेडिटर्स, और डेटर्स के साथ मैं लिखूंगी वर्ड सन्ड्री डेटर्स मींस मिक्सचर ऑफ डेटर्स। यू कैन राइट थ्री डिफरेंट नेम्स और यू कैन कंबाइन इट इन अ सिंगल अकाउंट व्हिच वी कॉल सन्ड्री डेटर्स। सो बेटर टू सेव आवर टाइम, सेव आवर स्पेस ऑन द शीट, वी विल बी कंबाइनिंग इट, वी विल बी कॉलिंग इट सन्ड्री डेटर्स। ऐड करिए 27, 15, 42, 42 और 2, 62 करो जी। सन्ड्री डेटर्स 62, टू लाइबिलिटीज, लेट्स चेक द लाइबिलिटीज। सनी मींस आई एम लाइबल टू पे टू सनी, आई एम लाइबल टू पे टू साहिल एंड कंपनी, दोनों को ऐड करो, ये बनेगा 14,400। ऐश्वर्या राय को भी ऐड करो 15,400, 15,900। टीना का लोन अलग दिखाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में सारे नाम ऐड हो जाएंगे और लोन अलग से होगा। तो मैंने कितना बोला 15,900, 1,900 है, और टीना लोन 20,000 अलग से आएगा। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,900, राइट? एंड व्हाट एल्स इज बीइंग लेफ्ट, दैट इज टीनास लोन, और यू कैन कॉल इट लोन फ्रॉम टीना, इन एनी वे यू कैन इंटरप्रेट इट। लोन फ्रॉम लीना, टीना इज ऑल्सो द एप्रोप्रिएट वर्डिंग, और टीनास लोन यू कैन राइट विद पोस्ट ऑफ यस टू टीनास लोन, दैट इज 20,000। ओके, ये मैंने गलत लिखा ना, ये इस साइड पे लिखो 19,900 एंड दिस इज 20,000। यस स्टूडेंट्स, देखने में ये साइड बड़ी लग रही है, इट मींस की कैपिटल इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर, टू कैपिटल, कॉल इट बी एफ, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। चलिए जी, 1825, 43, 63, 67, 87, 93, 200, डेबिट साइड का टोटल 93,200, 39,900 बीच में से माइनस करिए, 0,0, ये 3, ये रह गया 12, 3, 8, 53,300 टोटल चेक कर लो। मेरे अकॉर्डिंग कैपिटल का बैलेंस 53,300 आ रहा है, इज इट करेक्ट? इट्स योर टर्न, पास ऑल अदर एंट्रीज, करनी शुरू करो, टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व इट, देन आई विल डिस्कस इट विद यू। हरी अप एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे आर आल्सो सपोज्ड टू टेक द कॉपी एंड पेन विद देम एंड आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम देम। कम टू नेक्स्ट, यस, 11th का कौन पूछ रहा था, विनोद से मैंने पैसे लेने थे 12,000, विनोद इंसॉल्वेंट हो गया और हमें सिर्फ 50 पैसे इन रुपए मिला, 50% मिला, जो मिल गया वो कैश में डालिए, जो नहीं मिला वो बैड डेट्स में डेबिट करिए और क्रेडिट करिए विनोद को। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू विनोद, राइट? विनोद से 12,000 लेना था, 6 मिल गया, राइट? 6 नहीं मिला वो बैड डेट्स में डालिए, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वॉट विनोद, विनोद इज गिवर, पर्सनल अकाउंट इज माई डेटर, बट ही जस्ट पेड 50% इन रुपी बिकॉज ही बिकेम इंसॉल्वेंट। ओवरऑल 12,000 से उसका अकाउंट मैंने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। 15th, 19th करो आप, फिर डिस्कस करते हैं, डू इट ऑन योर ओन। यस, सुन लो, नई बात है आपके लिए, अंबानी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के आपने शेयर खरीदे मीन्स इन्वेस्टमेंट है। जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हो वो इन्वेस्टमेंट होती है। 100 शेयर खरीदे, हर शेयर कितने का था? 10 रुपए का था, ठीक है, और ब्रोकरेज पे करी 40 रुपीज। एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड अलग से होना चाहिए। हाँ, जब कोई एसेट खरीदते हैं और कुछ खर्चा करते हैं तो एसेट की कॉस्ट में एड होता है, मेरे को तो लगता है ये रूल लगना चाहिए। परचेसेस के टाइम पे कोई कमीशन दो तो अलग लिखते हैं, जब कोई एसेट खरीदते हैं और कमीशन वगैरह देते हैं मेरे को नहीं लगता वो अलग से लिखते हैं। सिंपल एंट्री होगी, इवन देन आई विल कंफर्म इट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड ब्रोक, चलो ब्रोकरेज डेबिट करके रखो, देन आई विल क्लैरिफाई। हाँ,
हु इज स्पीकिंग बोलो नलिन क्या बेटे दो तरह की खरीद होती है एक होता है परचेसेस ऑफ गुड्स एक होता है परचेस ऑफ एसेट सो हियर इट इज परचेस ऑफ एसेट हैड यू बीन बाइंग द बिल्डिंग एंड यू विल बी पेइंग कमीशन तो आप कमीशन को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते ठीक है ना तो सेम रूल आई एम अप्लाइंग ओवर हियर व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर कि मेरे को शेयर कितने के पड़े इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश मैं ब्रोकरेज अगर अलग नहीं लिखती तो कितने शेयर खरीदे मैंने 10 रुपए का एक 1000 के तो शेयर हो गए 40 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए अगर ब्रोकरेज अलग से डेबिट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट 1000 से आएगी ब्रोकरेज 40 से आएगी फिर भी टू कैश ही होगा ठीक है ना कैश तो सेम ही रहेगा 1040 कहीं पे देख लेंगे इलस्ट्रेशन में अगर डिस्कस किया होगा तो वी विल हैव एन आइडिया फिलहाल यही वाला रूल अप्लाई करो व्हेन वी बाय एनी एसेट एंड वी पे एडिशनल एक्सपेंडिचर वी ऑलवेज ऐड दैट एक्सपेंडिचर टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट सो सेम रूल आई अप्लाइड हियर गॉट इट आगे चलिए कम टू नेक्स्ट रीड नेक्स्ट हाँ पे टू बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन हु विल टेल द एंट्री पे टू बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन चलो घर वापस बताओ पे टू बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन बाबू से कोई इंटरेस्ट लिया होगा उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बाबू से कोई लोन लिया होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोलो गुड हाँ बाबू का नाम नहीं आना कहीं पे भी जर्नल एंट्री में आउटफ्लो ऑफ कैश यू विल शो इन द एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग एन एक्सपेंडिचर आई डेबिटेड इट नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा क्रेडिट व्हाट गोस आउट रियल अकाउंट का रूल लगा कितना इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ भाई बाबू को दैट इज 250 रुपीज बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड गुड्स रुपीज 800 गिवन एज अ चैरिटी तनिषा बोलो चैरिटी के फॉर्म में अपना सामान बांट दिया क्या एंट्री करते हैं बहुत आसान बोलो ऊंचा बोलो आगे गलत सामान दिया कैश थोड़ी ना टू परचेसेस या चैरिटी अकाउंट डेबिटेड या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड दिस इज सी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड और डोनेशन अकाउंट डेबिटेड कैश थोड़ी ना दिया डोनेशन में टू गुड्स मीन्स टू परचेसेस this is of 800 being goods distributed as charity aage chaliye students machinery ke upar depreciation laga do ye to bahut bar kar chuke hain depreciation account debited to machinery rupees 6000 60000 ka 10% right depreciation account debited to machinery purana mara hua paisa ab mil gaya chalo mr kundra purana mara hua paisa ab mil gaya 30th april earlier bad debts now recovered bolo entry 30th April, 43rd question we are doing for your information. I am repeating. Let him think. Chalo, Mr. Aditya Kapoor. आपने एक बार वाओ क्या बात है नई एंट्री फ्रेम करी है पहले आपने मेरे को सोच समझ के बताना है बैड डेट्स रिकवर मेरी इनकम है कि एक्सपेंस है कोई मरा हुआ पैसा मेरे को अब मिल जाए इज इट माई इनकम और एक्सपेंस लेट हिम स्पीक इज इट माई इनकम और एक्सपेंस इनकम्स आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड और डेबिटेड इनकम्स आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड और डेबिटेड बोलो आपने डेबिट क्यों किया फिर आपने डेबिट कैसे कर दिया आउटराइटली यू स्पोक द एंट्री यू नेवर थॉट अबाउट कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड आना है पैसा आया मरा हुआ पैसा मिला पूरब को भी नहीं आता उसने आपको बताया आपने वैसे बोल दिया वो आपको बार बार कह रहा है तूने बताया ओके कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड करो जी कैश अकाउंट डेबिटेड कितना पैसा मिला 2000 लिख दीजिए बैड डेट्स रिकवर्ड 2000 कम टू नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड बाय चेक चलो मेगा बोलो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक वेरी गुड
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू टैक्स पे किया है और आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे किया है, मींस बिजनेस का पैसा प्रोप्राइटर ने खुद के लिए यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सो दिस वॉज योर 43rd, 44th करना शुरू करो, इट्स योर टर्न नाउ। अरे आप 40, मैंने उसमें कुछ नहीं बताना, मैंने सिर्फ चेक करना है।